सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी अपकमिंग फिल्म बेगम जान के लिए. ट्रेलर बहुत ही ऑसम है और बहुत ही एक्साइटिंग है कि जिस तरह से लोग देख रहे हैं, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. तो बहुत सारी बातें बेगम जान के लिए, बेगम जान के ऊपर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मिली ये फिल्म आपको बेगम जान, क्योंकि हम बहुत ही डिफरेंट फिल्म है ये, और आप ये जो किरदार दिखाया गया वो भी बहुत ही डिफरेंट किरदार. आपको ये फिल्म कैसे लगी, कैसे मिली ये? श्रीजीत सर ने मुझे एक ईमेल भेजा था करीबन एक साल पहले, शायद 10 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ पढ़िए ये स्क्रिप्ट, गुलाबो का रोल आप देखिए. और मैंने पढ़ा, और उस वक्त एक्चुअली गुलाबो, उस वक्त बेगम जान की जो सेटिंग है वो होशियारपुर में थी, और वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मेरी दादी होशियारपुर की थी, तो मुझे लगा कि ये कुछ कनेक्शन है. और फिर वो तो शायद बदल दिया गया शहर, क्योंकि बॉर्डर के पास लाना था, बट मैंने सोच लिया कि मैं गुलाबो की जो बैक स्टोरी है वो मैं होशियारपुर में रखूँगी. तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें थे जो मुझे लगा कि एक बैकग्राउंड कनेक्शन है मेरा स्क्रिप्ट से, एक नाता है स्क्रिप्ट से. पंजाबी लड़की है गुलाबो, मेरे दोनों दादा दादी पंजाब के हैं, और जस्ट जनरली आप जब पढ़ते हैं या देखते हैं ये स्टोरी देखते हैं, तो जो ऑनेस्टी श्रीजीत के राइटिंग में है, जो स्टोरी टेलिंग में है, वो बहुत ही अच्छी है, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड आई थॉट कि अगर मैं एक और हिंदी पिक्चर करूँगी तो एक ऐसी पिक्चर करनी चाहिए जिसमें मेरी जो ऑनेस्टी है एज एन एक्टर वो निकल के बाहर आ सके. तो आई थिंक आपको शूट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी लग, सब कुछ आपको अपना सा लग रहा था इस फिल्म को लेकर. वो मैं तो बना लेती हूँ, अपना बना लेती हूँ जब मैं एक सेट पे जाती हूँ, कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा चाकू है, ये वो है. और हम लोगों ने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स की थी जाने से पहले, झारखंड पहुँचने से पहले. तो जब हम पहुँचे, ऐसा ये नहीं लगा कि हम कहीं और आ गए हैं, ऐसा लगा कि बस पेंटिंग बदल गई है बैकग्राउंड की. पहले विशेष फिल्म्स के ऑफिस में वर्कशॉप कर रहे थे, अब हम घर में आ गए हैं. तो जो काम, जिसे काम कहते हैं एज एन एक्टर, द वर्क, वो किया गया था शूट से, शूट पे पहुंचने से पहले. तो मुश्किल, मतलब एज अ कैरेक्टर मुश्किल सीन्स थे मेरे, जब आप पिक्चर देखेंगे आप समझेंगे, बट टू बी इन कैरेक्टर आई फील लाइक आई वाज ऑलरेडी देयर व्हेन आई गॉट टू सेट. चलिए अब गुलाबो का किरदार जानना चाहेंगे, आपने देखा नहीं वो राइफल लूट, वो गालियां देते हुए और वो तो वो ढेर सारी हम बातें करेंगे, लेकिन आपका जो किरदार है वो कैसा होगा गुलाब फिल्म में नेक्स्ट? ठीक है, ठीक है. गुलाबो मेरे ख्याल से ये फिल्म 1947 की बात कर रही है, मतलब पार्टीशन की फिल्म नहीं है, बट वहाँ पे सेट किया गया है. पर ये नहीं है कि गुलाबो एक पुराने ज़माने की लड़की है, जो पुराने ख्याल वाली लड़की है, वो हो ही नहीं सकती, वैश्या का काम निभा रही है. तो उसके वजह से उसके अंदर एक आग है, एक जज्बा है, एक ऊर्जा है, और वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आएँ, क्योंकि असली ज़िंदगी में ये चीज़ें मेरे अंदर हैं. एंड आई फेल वेरी कनेक्टेड टू गुलाबो, क्योंकि वो जिस चीज़ में बिलीव करती हैं वो उसके मुताबिक ज़िंदगी जीती हैं, और मैं भी वैसे ही हूँ. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी लड़की और एक, मतलब पंजाब की 1940s लड़की, एक जैसे इतनी मिलती जुलती सोच है इन दोनों की, तो मुझे करना था. बंदूक के चलाना, गालियां देना, ये सब कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत पसंद आया. पहले रियल लाइफ में भी कभी ऐसे बंदूक चलाया था? मैंने बंदूक चलाई है दूसरे एक पुराने रोल के लिए, और काफी लड़ाई वड़ाई की है मैंने, और गालियां भी, गाली गलौच भी चलती है रियल लाइफ में. रियल लाइफ मतलब जैसे अंग्रेजी में मुझे गाली देनी आती है. हाँ, फिर आपसे हिंदी में आती है, पर जिस तरह से मैं अपने सहेलियों से गाली को गाली दे रही थी वो मैंने कभी किया नहीं है. बट लकली मैंने अपने दूर के रिश्तेदारों को देखा था एक बार यूपी में हाँ, गाली गलौज देते हुए. किस तरह की गाली देते थे वो? मैं अभी आपको बीप करना पड़ेगा सारा, मैं बोल नहीं सकती, तो बट लोग तो चौंक गए सेट पे हमारे बेगम जान के साथ कि ये ऑस्ट्रेलिया लड़की, इसको कैसे पता है ये सब जो चीज़ें मैं कह रही थी. और मैं और भी दे रही थी, ये गाली खोल, ये गाली रख दो, नहीं ये गाली रख दो, अच्छा वो हो गया,
और हम कभी कभार सोचते थे कि गाली कौन सा नहीं हुआ है अभी तक, और क्या कह सकती हूँ. तो आपने उनको बताया नहीं कि अरे मैं रहती तो ऑस्ट्रेलिया में लेकिन मेरे सबको तो पता था और सारे जो जो मेरा बैकग्राउंड हाँ यूपी में रहते हैं और इस तरह से मतलब मेरे मदर की साइड यूपी की थी और वहाँ का जो बुलंदशहर के पास एक गांव है सिकोई, उनकी जो बोली है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और वो हर चीज़ जो कहते हैं थोड़ी मतलब इतनी जुबान थोड़ी सी कड़क रहती है कभी कभार. वो आपने पान सिंह तोमर देखी है तो वैसी ज़ुबान है. तो मैंने वो चीज़ सुना है मैंने बचपन से. मेरी नानी जब मेरी मम्मी से बात करती हैं वो इसी भाषा में बात करती हैं. तो आई एम वेरी लकी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हुई हूँ पर इतना एक्सपोजर रहा है कि मैं अपनी अपनी पंजाबी टच ला सकी हूँ गुलाबों में. और जो मतलब हम बंगाल गए थे शूट करने के लिए शांति निकेतन, वहाँ पे मैं बांग्ला में बोल रही थी क्योंकि मेरी ऑस्ट्रेलिया में बेबी सिटर बंगाली थी, शांति निकेतन की थी. तो सब लोग मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि अभी तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट मार रही है, अभी बंगाली में बोल रही है, अभी पंजाबी में गाली दे रही है. कितने लैंग्वेज आती है लड़की को, हर लैंग्वेज में बात करती हाँ हो? बट थोड़ा थोड़ा आता है पर मैं एक्टिंग कर लेती हूँ. सेट के दौरान का कुछ अगर एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया. मुश्किलें ज़रूर थी सेट पे क्योंकि जो वेदर की बात अगर हम करें तो वो हमारा साथ नहीं दे रहा था बिकॉज़ कभी कभार बारिश हो रही थी, फिर कड़क धूप आ रही थी, बिच्छू सांप सब कुछ था उस जगह पे. बट जो हमारी टीम स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी रही. और इस सब कियोस के बीच में वृष्टियाश पे लोग चला रहे हैं कि बारिश आ रही है दूर से. वो मुझे लगा कि श्रीजीत मुखर्जी एक मीटियोरोलॉजिस्ट बन गए थे उस दौरान क्योंकि वो खड़े रह के ऐसे बादल की तरफ देखते थे कि अभी मतलब 10 मिनट में ये शॉट ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बारिश गिरेगी. सो इट वॉज़ वेरी फनी. ये सब चीज़ें मतलब डिस्ट्रप्शंस थे बट हम सबको ह्यूमर मतलब महसूस हो रहा था. वी वर रियली गेटिंग अलोंग एंड बीइंग अ टीम ड्यूरिंग इट. सो आई थॉट इट वाज वेरी लवली. और इस फिल्म में हमने देखा आप हैं, विद्या बालन, गौहर खान. तो विद्या बालन इन सब के साथ का ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर मैं जानना चाहूं तो? बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक जैसे गौहर और मैंने एक हमारे वैन्स एक साथ रहते थे तो उसकी जो भी बातें होती थी फ़ोन पे मैं सुनती थी, वो मेरी सुनती थी. तो वी रियली बिकेम लाइक सिस्टर्स ड्यूरिंग द शूट. इट वाज रियली नाइस. और कुछ भी हुआ करता था तो गौहर एंड आई वुड काइंड ऑफ लाइक रियली बैंड टुगेदर. एंड विद्या वाज इनक्रेडिबल. लाइक अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को पता नहीं कुछ भी, शी वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ देम. कि जाओ देखो रिधिमा को वो पेट खराब है या पूनम को बुखार है, पल्लवी को बुखार है, she would be the first person to be standing and saying ki kya hua, are you okay, do you need medicine. And unhone ye kabhi mehsoos nahi hone diya ki hum sab unse junior actors hain. Seniority mein wo matlab sabse experienced hain. Wo Ila ji, Naseer saab, Rajat Kapoor sab jo matlab senior ensemble tha, par sabne ek team ke tarah acting ki, humko itna generosity ke sath इमोट किया. विद्या और मेरे काफ़ी सारे सीन्स हैं एंड आई जस्ट ऑलवेज फेल्ट दैट शी वाज गिविंग मी सो मच टू वर्क विद, व्हिच इज अमेजिंग. नसीर साहब की अगर मैं बात करूं वो तो मतलब हमने ऐसा सुना है कि बहुत फन करते हैं, बहुत एंटरटेनिंग हैं. हाँ, एक्टिंग में बहुत ही मजे हुए. अगर मजे वर्ड यूज करना चाहूंगा, बहुत ही मजे हुए कलाकार. तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? आई थिंक वो जब भी सेट पे आते थे तो सब तो मतलब देखने आते थे कि हो क्या रहा है बिकॉज ही इज़ अ जीनियस एट वर्क. पर सबको बहुत ही मतलब टेंशन था थोड़ा क्योंकि घोरा इस तरफ जा रहा है और नसीर सर का शॉट इस तरफ होना है. एंड तो मतलब बिहाइंड द सीन्स काफ़ी कॉमेडी चल रही थी कभी कभार, बट इट वॉज अमेजिंग टू सी हिज कॉन्सेंट्रेशन. और काफ़ी मुश्किल सीक्वेंसेज हैं उनके इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्टेंट ही इज़ डूइंग. तो इट वॉज जस्ट एन ऑनर टू बी एबल टू वॉच हिम वर्क. फिल्म अगर बेगम जान फिल्म की अगर मैं बात करूं तो रिलीज होने के बाद पर्टिकुलर ये क्या कुछ मैसेज देने वाली है, क्या मैसेज आएगा लोगों के बीच में? आई थिंक कि आप औरत हो, आदमी हो, जो भी हैं, जो आप बिलीव करते हैं ज़िंदगी में, जो आपको सही लगता है, अगर आप उसके लिए लड़ना चाहोगे तो जो ह्यूमन स्पिरिट है
वो हमेशा प्रिवेल करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ बेगम जान. इट्स नॉट अबाउट कि औरतें हैं घर में वर्सेस मैन या वेश्या का काम कर रहे हैं. ये सब चीज़ें स्टोरी के एलिमेंट्स हैं, बट जो सबसे बड़ी चीज़ है इस फिल्म की वो है कि दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन ट्रायम्फ. एंड आई थिंक कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बाप हो, छोटी सी बच्ची हो, सब लोग इंस्पायर होकर जाएंगे. ट्रेलर को हमने देखा आके जस्ट कुछ ही दिन हुआ और लोग ट्रेलर को बहुत ही पसंद कर रहे हैं. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड कर रहा है. मेरे जो लॉ स्कूल के फ्रेंड्स हैं कह रहे हैं इट्स द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो व्हेन दे आर ऑन यूट्यूब दिस मॉर्निंग. आई वाज लाइक ओके. तो उनका क्या कुछ वो कह रहे हैं समझ में तो नहीं आ रहा, बट द ड्रम बट सबटाइटल्स अगर ना लगाए ना तो बट स्टिल द ड्रामेटिक नेचर ऑफ द ट्रेलर इज कमिंग थ्रू इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक दैट्स व्हाट इज यूनिवर्सल अबाउट दिस ट्रेलर, दैट पीपल कैन टेल दैट इट्स अ स्पेशल स्टोरी. ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों या इंडिया में. और हम बात कर रहे थे कि ट्रेलर लोगों को हिंदुस्तान में भी बहुत ही पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि जब लोग इतना प्यार करते हैं कोई भी चीज आती है, ट्रेलर हो या कोई शॉर्ट फिल्म हो या आप लोगों की कोई भी चीज है यूट्यूब पे या ऑन एयर होती, तो लोग इतना प्यार करते हैं, ढेर सारे कमेंट आते हैं जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से लोग इस तरह से. As an human being, क्या आप कुछ feel करते हैं आप लोग जब लोग तेरे से. मैं थोड़ी बहुत डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट कॉट अप इन दैट एलिमेंट, बट बहुत अच्छा लगता है कि आपने मतलब याद आता है कि आपने कितना मेहनत किया था उस चीज़ के लिए और अभी लोगों तक पहुंच रहा है और उनको अच्छा लग रहा है. मेरे लिए तो अजीब फीलिंग है क्योंकि मेरी हिस्ट्री तो आप जानते हो. तो आई जस्ट रियली एम सो हैप्पी दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग द वर्क एंड दे कैन सी कि कितना मेहनत गया है इसमें और सब एक्टर्स ने कितना मेहनत दिया. एंड आई होप दैट दिस फिल्म इज़ अ सक्सेस फॉर एवरी वन इन दिस फिल्म. यू नो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट the whole team is able to enjoy the success of the film. Okay, ab film ke alawa agar main gaano ki agar baat karu Pallavi ji, to gaane to kis tarah ke honge ya phir kitne honge gaano ki baat. Gaane zyada nahi hai is film mein, matlab in that lip sync sense, but ek bahut hi sundar gaana hai. Anu ji ne music diya hai iska aur आशा भोसले जी ने मेन गाना जो मतलब एंट्री का सॉन्ग उन्होंने गाया है. फिर एक होली का गाना है, फिर एक आज़ादी का गाना है. एंड देर ऑल ब्यूटिफुल एंड देर ऑल सो डिफरेंट. आई थिंक जो आशा जी ने गाया है वो बहुत ही सुंदर गाया है उन्होंने. एंड आप जब देखेंगे फिल्म यू फील लाइक यू बीन ट्रांसपोर्टेड टू अनदर एरा. और क्योंकि अब आप हमें छोड़ के जाने हमेशा छोड़ के जा रही हूँ 10 या 12 दिन जो भी दिन के बाद फिर कल जा रही हूँ. कल जा रही 10 दिन के लिए दो महीने के लिए जा रही हूँ. दो महीने के मुझे 10 या 12 दिन. अच्छा तो नहीं 10 वीक्स बोला था मैंने. 10 वीक. हाँ तो मतलब क्या कुछ मैसेज देंगे क्योंकि अब तो आप जा रही हैं प्रमोशंस भी अब चालू हो गए हैं. हम प्रमोशंस भी आपको मिस करेंगे जी. आई थिंक के प्लीज़ गो एंड वॉच इट 14 अप्रैल को. आप प्लीज़ देखिए बेगम जान. जैसे मैंने कहा हम सब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत दिल लगा के काम किया है और जो ऑनेस्टी इस फिल्म में है और जिस इंटेग्रिटी से ये फिल्म बनाया गया है, ऐसे पिक्चरें बनती नहीं है ज़्यादातर मेरे ख्याल में. तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने काम किया है इसमें. सबसे बड़ा काम तो विद्या जी का है इस फिल्म में. एंड आई थिंक अगर आपको विद्या का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखना है आप इस फिल्म को देखने जाइएगा 14 अप्रैल को जी. तो जिस तरह की ये फिल्म है पल्लवी जी, तो हम ऐसा माने कि 2017 की ये सबसे बोल्ड एंड हॉट फिल्म होने वाली है, ऐसा हम माने. हॉट का क्या मतलब है? गालियां दी गई है या जिस तरह से. देखिए अब आप मैं फिलोसॉफिकल हो जाऊंगी और मैं कहूंगी कि बोल्ड का क्या मतलब है. बट नहीं, डेयरिंग फिल्म जरूर है, ट्रूथफुल फिल्म जरूर है और इंस्पायरिंग फिल्म जरूर है. नेशनल अवार्ड की भी हम ऐसी इच्छा रखें इस फिल्म से या मैं आप गलत जन से पूछ रहे हो मुझे इन चीजों का. आप इस फिल्म का पार्ट है ना इसलिए. आई होप सो. आई होप फॉर श्रीजीत एंड विद्या एंड हूएवर एल्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म दैट देयर इज सम रिकॉग्निशन फॉर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ दैट हैज गॉन इनटू इट. सो अगर उस स्ट्रेंथ की कोई रिकॉग्निशन हो तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है. And I hope for the best for everyone. इसके अलावा आपका जो upcoming जो TV के लिए आप जो shooting करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में अगर आप कुछ share करना चाहें कि
थोड़ा सा? मैं एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन सीरीज ड्रामा सीरीज करने जा रही हूँ एज वन ऑफ द लीड्स इन अ ब्रांड न्यू टीवी सीरीज. बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस ऑफ इंडियन ओरिजिन एक लीड रोल कर रही है ऐसे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एज अ रोल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डाइवर्सिटी और दिखे इंटरनेशनल स्क्रीन्स पे. ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कलर्ड एक्टर्स एंड वाइट एक्टर्स थोड़ा कम हो जाए, और मैं बिलीव करती हूँ कि जो मीडिया है, जो हमारे मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, वो ग्लोबलाइज हो गए हैं इंटरनेट के ज़रिए और यू नो नेटफ्लिक्स ये सब, तो सबको सब कुछ देखने को मिलता है. तो एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन रहा है धीरे धीरे. ये नहीं है कि आप बॉलीवुड में काम करते हो, हॉलीवुड में काम करते हो और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो. मैं तीनों में काम करती हूँ. And I'm just very fortunate, and I hope I have the love and the blessings of the Indian audiences. और मैं चाहूँगी कि जब ये available हो जाए आप लोगों को देखने के लिए, please देखिएगा. I hope कि हम एक दिन आपको international star भी देखेंगे कि इस तरह से. अरे मैं हूँ international star, it's okay. नहीं. Big. Of course. चलिए. मैं आपसे ही पहले बात करूँगी जब मैं international star बनूँगी. Wow. Thank you so much, and wish you all the best. Thank you. TV show and Begum Jaan. Thank you so much. Thank you.